अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमिला हसन और आप सबको जुमा मुबारक हो जनाब। और आज का दिन हमेशा की तरह हम आगाज करेंगे रिसर्च के साथ। जिस गाड़ी की मैं बात करने वाली हूँ, हर साल कई तरह की कॉन्सेप्ट कार जो है मार्केट में मुतारिफ करवाई जाती है, जिन्हें कंपनीज ये दावा करती हैं कि ये मुस्तकबिल की गाड़ी है। मगर जनाब, जनूबी कोरियन कंपनी है Hyundai, जैसे गाड़ी आज आपने जिसके हवाले से हम आपको बताने वाले हैं कि जनाब ये जो गाड़ी है ये वॉकिंग इलेक्ट्रिक कार है, जिसे बर्फ़ानी जो जलजला ज़्यादा मकामात होते हैं, पहाड़ी चोटियां होती हैं और कई ऐसे इलाके जहां पर एक्सेस मुश्किल होती है, वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मकड़ियों जैसी टांगें मौजूद हैं जो अपनी चारों टांगों पर चल सकती है। अगर आम सड़क यानी कि हमवार सड़क मिलेगी तो ये उस पर पहिए के साथ दौड़ेंगी, और अगर कोई इस तरह के रास्ते मिलेंगे जहाँ पर थोड़ी दुश्वार गुजार रास्ते होंगे, वहाँ पर ये जो इनकी कहले मकड़ी नुमा टांगे हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और यहाँ पर ये इवन ये सीढ़ियाँ भी चल सकती है गाड़ी, और आप सीढ़ियों पर भी इस गाड़ी को चला सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये गाड़ी जो है 5 फुट की दीवार तक पर भी चढ़ सकती है या 5 फुट का जो खला है उसको अबूर कर सकती है, और इसे मुख्तलिफ जगहों तक रसाई के लिए बनाया गया और इसमें बिजली को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स की मदद से इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी उन्होंने हेल्पफुल बनाने के लिए इस गाड़ी को किया है, और ये लॉस वेगस में जो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल शो जारी है, वहाँ पर ये नुमाइश के लिए पेश की गई है और डेफिनेटली यहाँ पर इसको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। जनाब इसी जो शो की मैं बात करूँ, वहाँ पर एक और चीज़ भी मुतारिफ़ करवाई गई है। अक्सर हम जब सुबह उठते हैं तो आपको दिल करता है, और अक्सर कह भी देते हैं दिल करता है उड़ के उस जगह पर पहुँच जाऊँ। जनाब ये जो उड़ के पहुँचने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सच भी हो सकता है। जनाब दुनिया में पहली उड़ने वाली टैक्सी मुतारिफ़ करवाई जा रही है, और ये कहाँ करवाई जा रही है, इसी लॉस वेगस में जो शो हो रहा है उसमें मुतारिफ़ करवाई जा रही है। CES में पेश की गई ये उड़न टैक्सी जो है ये प्रोटोटाइप इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, ये 2023 में हकीकी दुनिया में उड़ान भरने के लिए तैयार होगी। और ये जनाब बेल कंपनी के मुताबिक ये शहरों में उड़ने वाली सवारी होगी कि जो लोगों को तलब करने पर उनकी मंजिल मकसूद तक उनको पहुँचा सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगी जैसे कोई उबर वर्क करती है, जैसे अब इंटरनेशनली उबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो कहले सारिफ हैं उनके पास एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको अपने ऐप के ज़रिए मंगवा सकेंगी, और ये आपका या चाहे लोग हों या सामान हो उसको पहुँचाने में बहुत हेल्पफुल भी साबित होगी। बेल उबर के हवाले से एक फ़ीचर होगा और उसके बाद ये आसमानों पर सफ़र करती है आपको ये दिखाई देगी। और कहा जा रहा है कि जनाब इस उड़न टैक्सी में एक वक्त में 4 मुसाफिर और 1 पायलट जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे, मगर कंपनी को ये उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये जो गाड़ी है ख़ुद परवाज करने की सलाहियत भी इसमें होगी, और ये मुमकिन तौर पर बिजली की मदद से उड़ान भरेगी और 150 मील फी घंटा की रफ्तार जो है इसकी होगी। तो जनाब ये जो शो जारी है इसमें डेफिनेटली बहुत कह लें कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, और हम आपके साथ रोज़ शेयर करते चले जा रहे हैं जैसे भी हमें इंटरनेट पे या इस जो एग्जीबिशन है उसके हवाले से कोई डिटेल्स मिलती है। तो ऐसे में आइस फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। कुछ दर्शा पहले मैंने आपसे स्विट्ज़रलैंड की बात की, आज मैं आपके साथ चाइना की बात करनी हूँ, चीन की बात करने वाली हूँ, जिसके शहर में दुनिया का सबसे बड़ा जो आइस फेस्टिवल है वो मुनक़द किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे जो सयाह है वहाँ का रुख कर रहे हैं। इस फेस्टिवल के लिए दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों फनकारों ने दिन रात मेहनत की है, और इसमें जो मुजस्मे हैं और ये इमारतें हैं वो जो बनी हैं बर्फ़ से, और फेस्टिवल में रात के वक्त मुजस्मों को रोशनियों से सजाया जाता है, और इसका ये हिस्सा जो कुछ उसके पार्ट्स होते हैं वो उनमें लाइट्स भी नस्ब की गई हैं। इस फेस्टिवल में तैराकी का जो मुकाबला है, तैराकी का स्विमिंग का, वो भी मुनक़द किया जाता है, जिसमें शुरका को ठंडे पानी में तैराकी भी करना होती है। और जो ये बात की जाए, ये मशरकी एशिया का सर्दतरीन शहर है जहाँ पर ये फेस्टिवल है, और इसमें दर्जा हरारत जो है -12 तक चला जाता है, और इस सर्दी के बावजूद हज़ारों लोग जो है इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आते हैं। तो जनाब चीन में ये फेस्टिवल हो रहा है, और ये फेस्टिवल हमने आपको TV पर तो दिखा दिया, लेकिन जो लोग इन्जॉय करें -12 बहुत सर्दी होती है भाई। अब जरा हम लाहौर के इवेंट्स की भी बात कर लेते हैं, और साथ साथ आपको बता देते हैं कि अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो लाहौर में जो से इवेंट्स होने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जनाब UCB हेल्थ क्लब अवेयरनेस सेमिनार ऑन ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन इन कोलेबोरेशन विद एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, और इसके लिए जनाब टाइमिंग है सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक,
और ये यूसीपी के ऑडिटोरियम में होने वाला है इवेंट। जनाब सेकेंड इवेंट है हमारे पास एनुअल स्पोर्ट्स गाला एंड फन फेयर, 3 बजे इसकी टाइमिंग है, क्रिकेट स्टेडियम खयाबाने अमीन में हो रहा है यहाँ पर, और ये भी एक इवेंट है जिसकी हमने आपको बता दी डिटेल्स। इसके अलावा जी ज्वेलरी एग्जीबिशन है और इसकी टाइमिंग होगी दोपहर 12 से रात 9 बजे तक। लोकेशन इसकी स्टेला लाइन ट्वेंस और स्ट्रीट नंबर 45, और यहाँ पर ये इवेंट भी हो रहा है एग्जीबिशन। आपको बता दिए, अब जरा हम डिटॉक्स वाटर पे आज हम बात करने वाले हैं, क्या इसके फायदे हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये हमें बताएगी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया। जी जवेरिया, ये डिटॉक्स वाटर के बारे में, जैसे कि डिटॉक्स का मतलब बेसिकली होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी आपके खून की सफाई, और आपको पता होगा कि हर चीज़ हमारे खून में ही हो रही होती है, यानी एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अवर ब्लड, इवन कि वो चाहे कोलेस्ट्रॉल है उसका बढ़ना या फिर कम होना, फिर डायबिटीज़ है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का बढ़ जाना या शुगर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, उसके साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर है, इवन के एलिवेशन जो मतलब एलिवेटेड लेवल, यानी जो ब्लड प्रेशर जो रेजअप हो जाता है, जो शूट अप हो जाता है, या उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर बीपी लो होने होता है, ये तमाम चीज़ें हमारे खून में हो रही होती हैं। और अक्सर औकात क्योंकि हम लोगों की डाइट उस तरह से प्योर नहीं है, और उस तरह से मतलब लोग जैसे बहुत ज़्यादा पहले नेचर के पास थे और गजाई किल्लत को दूर करने के लिए ऑर्गेनिक्स में रहते थे, हरी सब्जियां कंज्यूम करते थे, देसी अंडे खाते थे, वहीं पे भी बहुत से लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल फूड्स को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमेशा हाईलाइट किया जाता है कि जो डिटॉक्स वाटर है वो कितना लेना चाहिए, किस तरह बनाया जा सकता है, या उसकी प्रिवेंटरी मेजर्स आपकी डिजीज़ कंट्रोल में कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि हमारी जितनी मतलब हमारी बॉडी में बीमारियाँ प्रेवलेंट होती हैं उसको डिटॉक्स वाटर से क्योर अप किया जा सकता है। यहाँ इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर रेड कलर की बात की जाए, जिसको लाइकोपीन एक नेचुरल एजेंट होता है, नेचुरल कलर होता है, जो कि हमें रेड ग्रेप फ्रूट में मिलता है, कैरेट्स में मिलता है, टोमेटोज यानी कि टमाटर में मिलता है, ये जितनी हमारे पास रेड कलर की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसमें लाइकोपीन पाया जाता है, जो कि कार्सिनोजेनिक है, बल्कि साथ ही साथ आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स और उसके अलावा जो यू कैन से कैंसर डेवलपिंग सेल्स हैं उसकी ग्रोथ को भी स्टॉप डाउन करता है। और तमाम वो लोग जिनको कोलेस्ट्रोलिमिक इश्यूज़ हैं, जिनका खून गाढ़ा है, तो इट्स अ नेचुरल ब्रेथ इनर टू। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी पॉमग्रेनेट का, प्लम्स का, और तमाम वो रेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि हमें अपनी ग़ज़ा से और हमें अपनी ज़मीन से मिलते हैं। और यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि अगर आप जूस लेते हैं या फिर आप डिटॉक्स वाटर पीते हैं, तो दोनों का बेनिफिट सेम है, क्योंकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स यानी कि जो यू कैन से जो आपकी बॉडी को बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे खुलियात जो लेके जाते हैं उसको स्टॉप डाउन करता है और उसका आपकी बॉडी को क्लियर अप करता है। अगर येलो लीफी वेजिटेबल्स और येलो फ्रूट्स की बात की जाए, तो आप उससे ग्रेप फ्रूट, पाइनएप्पल, यू कैन टेक लॉट ऑफ ऑरेंजेस, मौसमी, ये तमाम चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप एक जग लें और उसमें आप ये तमाम चीज़ें काट के डाल दीजिए और उसको ओवरनाइट रखें, अगर जिन लोगों की नाइट ड्यूटीज़ हैं वो पूरा दिन उसको भिगो के रखें, तो उनकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। हरी सब्ज़ियों में जैसे कि कुकम्बर आता है, आइसबर्ग लेटस है, पुदीना है, लाइम्स हैं, ये तमाम चीज़ें एक जग में आप क्लीन वाटर में, क्योंकि पानी आपने वैसे भी कंज्यूम करना है, पर अगर आप उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, उसमें कुछ फल और कुछ अच्छी सब्जियां ऐड करेंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए और आपकी जो हेल्दी मॉइस्चर के लिए और हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स वाटर का बेसिकली मकसद है डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्योंकि बीमारी आना और उसका अटैक करना और आपकी बॉडी पे हावी होना वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, यानी आपका खून शफाफ होता है, और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी स्किन को क्लींस रखता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपका जो स्टमक है, लिवर है, उसके अलावा आपके अदर मीट ऑर्गन्स हैं, आपकी किडनी है, ये उसको भी क्लींस अप रखता है, क्योंकि बॉडी जितना क्लींस अप रहती है उतना हम एक्टिवली और फ्रेश अपने डिफरेंट अमूरे खाना और बाहर के और घर के काम अंजाम दे सकते हैं।
थैंक यू सो मच जवेरिया, आप डिटॉक्स वाटर के हवाले से हमें बता रही थी और डेफिनेटली डिटॉक्स वाटर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये रिसर्च भी हुई थी कि बहुत सारे जो लोग हैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। और घर में आप जो आमतौर पर डिटॉक्स वाटर जो इस्तेमाल करते हैं वो लेमन और आप उस लेमन ग्रास के साथ या कुछ भी ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जिससे पानी के अंदर अक्सर लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा देर तक, लेकिन उसको आपको 24 आवर्स के अंदर कंज्यूम करना होता है, तो लिहाजा डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल ज़रूर करें। स्किन बालों सबके लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है और जवेरिया ने उसके हवाले से आपको डिटेल भी बता दिया। अभी जनाब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोरी आने वाली है और जिस पर हम डिस्कशन भी करेंगे, ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।